नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधि टेरिया में दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 25 का समंस अगर आपके पास आया है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का अगर आपने बिल नहीं दिया तो बैंक आपके खिलाफ समन्स इशू करा सकता है और इसमें आपको तकरीबन सात दिन से लेकर के दस दिन की जेल हो सकती है जी हाँ दोस्तों ताजा मामला हमारे पास आया है बलिया जिले से और अमित गुप्ता जी का है यहाँ पर उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड लिया था और यहाँ से उन्होंने सात लाख रुपए का इस्तेमाल किया था कोविड के समय उनकी जॉब चली गई थी लेकिन यहाँ पे उन्होंने पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया था बैंक ने बार बार उनको नोटिस भेजा लेकिन उन्होंने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया और अंत में बैंक ने उनके ऊपर ई उन्होंने एक्टिवेट करा रखा था और ई रिटर्न के मामले में उनके खिलाफ कोलकाता से समन्स आए और उसके बाद वह कोलकाता समन्स पे उपस्थित नहीं हो पाए और जिसके बाद वारंट आया वो वारंट पे भी नहीं गए और उनके खिलाफ एन बी डब्ल्यू हो गई तो बलिया से लेकर के सीधे उनको कोलकाता ले जाया गया जहाँ पे उनको 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया बाद में उनको उनके परिजनों ने जा कर के वहाँ पर जमानत कराया लेकिन हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि दोस्तों हमेशा हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से आगाह करना चाहते हैं और आप सभी को हमेशा कहते रहते हैं कि कोर्ट की नोटिस को इग्नोर मत करिए नहीं तो आपको दिक्कत होगी बैंक की नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन कोर्ट की नोटिस को इग्नोर मत करिए नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा क्योंकि एक बार अगर आप जेल में चले गए तो वहां पर आपका एक प्रकार से आपका जो वैल्यू है और आपकी जो सोशल स्टेटस है उस पर थोड़ा सा बट्टा लग सकता है दोस्तों हम वकील होने के नाते आपके हम एक शुभ चिंतक भी हैं ताकि हम आपको बता सकें कि कि किस नोटिस को इग्नोर करना है और किस नोटिस को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों क्रेडिट कार्ड भी एक अपने आप में लोन होता है आप इसको समझिए बहुत लोग कहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया और हमें कुछ नहीं हुआ जहाँ पे आपका ई एक्टिव नहीं है अगर आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वह आपके सेविंग अकाउंट से कटता है या सैलरी अकाउंट से कटता है ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है तो वहां पे इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज अब यह तीन बार यानी कि तीन बार यह रिटर्न हो गया हर महीने में एक बार यहाँ पे जो आपका अकाउंट है उसको एन माना जाता है और उसके बाद जब ई रिटर्न होता है तो बैंक आपके खिलाफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 में समस भिजवाती है इसको आप इग्नोर मत करिए और अगर आपने भी कहीं से भी कोई भी कार्ड लिया है और उसमें ई है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके और सीरियस होकर के इस मैटर को देखें समन्स आते हैं समन्स पे अपीयर हो जाइए कोर्ट आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन अगर आप समन्स पे अपीयर नहीं होते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है प्रॉब्लम होने वाली है और फिर उसमें आपको जमानत करानी पड़ेगी जमानत हो जाती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो सामाजिक बट्टा लगता है एक प्रकार से आपके ख्याति या आपकी गुड़विल पे चोट पहुंचती है तो वो बहुत ही नुकसानदेह होता है तो आगे से आप इस बात को ध्यान रखिएगा गुप्ता जी कि आपके साथ ऐसा दोबारा ना हो और हमारे जितने भी व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं हम उससे गुजारिश है कि अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें बिल समय पे चुका दें अगर कोर्ट से नोटिस आती है तो इसको इग्नोर ना करें दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर करेगा थैंक यू सो मच जय हिंद दोस्तों